अंबेडकर हॉस्पिटल यहां पे शुरू हो रहा है। इस पूरे इलाके में आसपास की कई विधानसभाओं में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो इस हॉस्पिटल को लगभग 2013 में कंसीव किया गया था। मुझे बड़ी खुशी है कि कई सालों के बाद अब ये हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है। आज इसके 200 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। ये 600 बेडेड हॉस्पिटल है, बाकी पूरा हॉस्पिटल 600 बेड्स और अपने आईसीयू के साथ और 1-1.5 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। आज 200 बेड्स चालू किए जा रहे हैं जो कि कोरोना में काम आएंगे, क्योंकि कोरोना की महामारी है। इस वजह से पहले 200 बेड जो तैयार हो गए थे उनको शुरू किया जा रहा है। इन सभी 200 बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल है। सबसे ज्यादा कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, भगवान ना करे स्थिति खराब भी होती है, तो हमारी दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है उस स्थिति से निपटने के लिए। पूरी दिल्ली में अब धीरे धीरे करके हमने बेड्स बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं, तो उसी दिशा में आज ये अम्बेडकर हॉस्पिटल में जो 200 बेड शुरू किए जा रहे हैं, ये दिल्ली की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन मैं सभी को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, जिन्होंने मेहनत करके इसको कई महीने पहले शुरू कर दिया और दिल्ली के लोगों के लिए 200 बेड्स आज खोल दिए, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बधाई देता हूँ।